स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 7.5 बैंड कैसे लाए है, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड क्या था, मैंने किस मीडियम में स्टडी की, और आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैंने यूज किए और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 7.5 बैंड लाए। अगर आप यूके आना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं और आप आईएलटीएस या ओईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आप सबको बता दूं कि मेरा जो इंग्लिश बैकग्राउंड था वो बिल्कुल जीरो था। मैंने मेरा प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में किया और मेरा प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में करने के बाद मैंने सेवेंथ में मराठी मीडियम में एडमिशन लिया और एट्थ में मैंने लोअर इंग्लिश जो कि सेमी इंग्लिश भी जिसे कहते हैं उसमें एडमिशन लिया। और मेरा इलेवेंथ और ट्वेल्थ साइंस था और मैंने सारी पढ़ाई स्टेट बोर्ड के थ्रू किया है और मेरे जो स्कूल थे वो सेमी गवर्नमेंट जो कि ग्रांटेड स्कूल थी वो स्कूल्स थी। तो आप मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से जान गए होंगे कि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड में एजुकेशन नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आईएलटीएस के प्रिपरेशन के समय तक कभी भी इंग्लिश में किसी के साथ बात नहीं की थी क्योंकि कभी ऐसा मौका आया ही नहीं था। और मैं जहां रहता था वो एक बड़ी सिटी नहीं थी, मैं जॉब के कारण सिटी में मूव हुआ था, लेकिन जब मेरा एजुकेशन हुआ वो जगह एक छोटा सा टाउन था जहां पे सारी चीजें थी लेकिन इंग्लिश मीडियम के कुछ ही स्कूल्स थे, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाया। तो मैं आपको मेरी आईएलटीएस जर्नी के बारे में अभी आपको बताऊंगा। जब कभी आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो उनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना होता है जो कि आईएलटीएस या ओईटी होता है। तो मैंने काफी सारे ऑनलाइन वीडियोस देखे कि आईएलटीएस क्या होता है, ओईटी क्या होता है, और मैंने कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा जानकारी इंटरनेट के थ्रू जानने की क्योंकि मेरे जान पहचान में काफी कम लोग थे जिन्होंने आईएलटीएस किया था या ओईटी की थी। और मैं जिस सिटी में रहता था ना ही वहाँ ओईटी के कोचिंग क्लासेस है और ना ही वहाँ पे ओईटी के एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर मैं ओईटी चुनता था तो मुझे दूसरे सिटी में मूव होना पड़ता था या तो ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ता था, एग्जाम देने भी दूसरे सिटी जाना पड़ता था। तो मैंने ओईटी का ऑप्शन मेरे चेकलिस्ट से कैंसिल कर दिया और आईएलटीएस चुनना चाहा। मेरे सिटी में काफी सारे आईएलटीएस कोचिंग क्लासेस थी लेकिन उसमें से ज्यादा जो क्लासेस थी वो काफी एक्सपेंसिव थी। कुछ क्लासेस की फीस 23,000 थी, किसी की फीस 13,000 थी। तो मैंने आईएलटीएस के बारे में काफी सारी रिसर्च खुद किया था ऑनलाइन और मैंने हर एक कोचिंग क्लासेस में कॉल कर करके ट्यूशन फी पूछते रहता था कि जहां कहीं मुझे कम ट्यूशन फी में क्लासेस मिलेगी वहां मैं क्लासेस करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंसिव क्लासेस में आप जाएंगे उतने ज्यादा हाई फाई लोग आपके साथ में पढ़ेंगे तो आप शायद हो सकता है कि आप अपने आप को पढ़ाई में कंफर्टेबल महसूस ना करें। तो मैंने ऐसी क्लासेस ढूंढने की कोशिश की जहां कम फीस थी और जहां कम लोग आते हो। तो मैंने फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस एक कोचिंग क्लास मुझे मिली और जिसकी फीस जब मैंने क्लासेस लगाया था तब 6,000 थी। आईएलटीएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ऑनलाइन अनेक चैनल्स है यूट्यूब पे उसके द्वारा मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो है आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो मैं ऐसा क्लासेस ढूंढ रहा था जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करे और मैं क्लासेस में जाकर पूरे मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस कर सकूं, ऐसा क्लास ढूंढ रहा था। और मुझे क्लास मिल गई, 40 डेज का कोचिंग था जिसको मैंने कुछ समय के लिए एक्सटेंड भी किया। तो जो क्लास मैंने लगाया था वहां पे मैं कभी भी जाकर अपना लिसनिंग रीडिंग राइटिंग मॉक टेस्ट खुद जाके रोज करता था और उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी क्योंकि मैं काम भी कर रहा था हॉस्पिटल में और साथ ही साथ आईएलटीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा था। और जो बाकी क्लासेस मैंने देखे हैं वहां पे सिर्फ 1.5 आवर्स आपको कोचिंग देते हैं, तो वो आपके आईएलटीएस के लिए कुछ भी काम में नहीं आएगा क्योंकि आपको रोज लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग करना है। अगर आपको आईएलटीएस में अच्छे बैंड्स लेना है या ओईटी में अच्छे स्कोर लेना है तो आपको रोज ये चारों मॉड्यूल पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इसमें अच्छा स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग में आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि आंसर्स कैसे ढूंढना है, और राइटिंग और स्पीकिंग में आपको कुछ फॉर्मेट्स तैयार करना है कि ऐसे ही फॉर्मेट में मुझे राइटिंग करना है और यही फॉर्मेट में मुझे स्पीकिंग करना है। तो क्लासेस के साथ साथ मैंने कुछ अनेक चीजें भी अपने लाइफ में चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपने घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे काफी सारी नई नई वोकैबुलरीज आपके नजरों के सामने से रोज जाती है, तो आपको नए नए वर्ड्स सीखने मिलते हैं। और मैंने इंग्लिश बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और जैसा कि मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ तो मैं पहले हिंदी बाइबल पढ़ता था तो मैंने इंग्लिश बाइबल भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बाइबल में भी काफी सारे नए नए वर्ड्स मिलते थे जो कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहे। जितना ज्यादा रीडिंग कर सके उतना ज्यादा रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक
बुक्स पढ़िए, इससे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे और आपको इन वर्ड्स के द्वारा आपके लिसनिंग में आपको हेल्प होगी, रीडिंग में हेल्प होगी, राइटिंग में हेल्प होगी और स्पीकिंग में भी हेल्प होगी। जब मैंने कोचिंग कंप्लीट कर लिया और जब मुझे मेरे प्रैक्टिस में अच्छे बैंड्स आने लग गए तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे एग्जाम देना चाहिए। तो मैंने एग्जाम बुक किया और कोशिश किया कि जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तीनों मॉड्यूल दे सकूं, क्योंकि पहले दिन आपका IELTS में लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। तो मैंने कोशिश किया कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग अच्छे से लिख सकूं, लेकिन जब मैं राइटिंग दे रहा था तो मैंने टास्क टू स्टार्ट किया और काफी अच्छे से टास्क टू लिखा, और टास्क वन मैंने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन टास्क वन लिखते लिखते मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा जो लास्ट पैराग्राफ था वो छूट गया था जिसमें मैंने सिर्फ एक या दो लाइन ही लिखी थी। तो मैं काफी डिप्रेस था, एग्जाम सेंटर से जाने के बाद मैं काफी डिप्रेस था कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं गया। और अगले दिन मेरा स्पीकिंग टेस्ट था, स्पीकिंग देने के लिए सेंटर पे गया, वहां पे भी मैं थोड़ा सा नर्वस ही था और स्पीकिंग मैंने अपनी दी और मैं स्पीकिंग अच्छे से नहीं दे पाया क्योंकि मैं पिछले दिन के एग्जाम से खुश नहीं था, क्योंकि मेरा राइटिंग के कारण मैं काफी नर्वस था। फिर 13 दिनों के बाद, जैसा कि आपको पता ही है, IELTS का रिजल्ट आता है, तो मेरा रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि मैं होप कर रहा था कि मेरा राइटिंग फेल हो जाएगा, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस राइटिंग निकल गया था। मेरा लिसनिंग में 7.5 बैंड्स आए थे, रीडिंग में 8.5 बैंड्स आए थे, राइटिंग में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, टास्क मुझे 6.5 फिर भी बैंड्स मिले थे, लेकिन क्योंकि मेरे पिछले दिन के परफॉर्मेंस के कारण, राइटिंग के परफॉर्मेंस के कारण मैं स्पीकिंग अच्छे से नहीं दे पाया तो मुझे स्पीकिंग में 6.5 बैंड्स आए थे। तो मुझे फिर से IELTS टेस्ट बुक करना पड़ा नेक्स्ट टाइम, और फिर मेरा नेक्स्ट टाइम मेरा स्पीकिंग भी निकल गया और सारे मॉड्यूल्स निकल गए। अगर मैं नर्वस नहीं रहता स्पीकिंग में फर्स्ट टाइम में तो मुझे शायद फर्स्ट टाइम में ही मेरा पूरा स्कोर आ गया रहता। अभी आपको मैंने अपनी IELTS की पूरी स्टोरी बताई है और अभी आपको मैं ऐसे कुछ टिप्स दूंगा और ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको आपके IELTS प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगी। कोई भी क्लासेस लगाने के पहले सबसे पहले IELTS के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ले लीजिए कि IELTS क्या होता है, उसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से मॉड्यूल में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारा आप क्लासेस लगाने के पहले नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको शायद से क्लासेस में काफी मुश्किल जा सकती है। अभी आपको मैं कुछ मटेरियल्स बताने जा रहा हूँ जो आप IELTS प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ कैम्ब्रिज का ही मटेरियल यूज कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम होती है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थ्रू ही कंडक्ट की जाती है। तो आप कैम्ब्रिज का मटेरियल यूज करेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे लिसनिंग और रीडिंग के एग्जामिनेशन में वो ट्रिकी नहीं लगेंगे। अगर आप दूसरे मटेरियल्स लिसनिंग और रीडिंग के लिए यूज करते हैं तो आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि दूसरा कोई भी मटेरियल लिसनिंग और रीडिंग के लिए यूज ना करें, सिर्फ कैम्ब्रिज मटेरियल ही यूज करें। और कोशिश कीजिए कि BBC न्यूज सुने, BBC न्यूज देखे, आपको काफी हेल्प हो सकता है लिसनिंग में, और उसमें जो नए वर्ड सीखेंगे उसके द्वारा आपको सारे मॉड्यूल्स में हेल्प हो सकती है। और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश सॉन्ग को समझने की कोशिश कीजिए और उसको गाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप गाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव होते रहेगा। और YouTube पे सर्च कीजिए रिपीट आफ्टर मी वीडियोस, जिसमें जो स्पीकर रहेगा वो बोलेगा और उसके पीछे आपको बोलना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है काफी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको स्पीकिंग में काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ इंग्लिश के टंग ट्विस्टर्स रोज प्रैक्टिस कीजिए। और स्पीकिंग के लिए एक बेस्ट YouTube चैनल है, वो है कीथ का इंग्लिश चैनल है, YouTube का लिंक डालूंगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और काफी अच्छे वीडियोस बनाता है जिसके कारण मेरा स्पीकिंग काफी इम्प्रूव हुआ। अगर आपको स्पीकिंग इम्प्रूव करना है तो कीथ के ही वीडियोस देखें और उसको फॉलो कीजिए। और IELTS लीज चैनल है YouTube पर, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके भी काफी अच्छे वीडियोस है जो आपको आपके IELTS में काफी हेल्पफुल होंगे। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है वो है कि आप रोज चारों के चारों मॉड्यूल प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रोज चारों के चारों मॉड्यूल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरी इस IELTS जर्नी से आप भी इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आपको इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मुझे मेल कर सकते हैं, या तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।